स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फ्री स्कूल आरटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेव एंड ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेबिनेट कंपनसेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बेबिनेट कंपनसेटर क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, इसको किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और साथ के साथ डिस्कस करेंगे हम वर्किंग थ्योरी एंड एप्लीकेशंस ऑफ बेबिनेट कंपनसेटर। अगर आप बेबिनेट कंपनसेटर को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, ई एंड ओ रे क्या होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिटार्डेशन प्लेट क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, कितने प्रकार की रिटार्डेशन प्लेट्स होती हैं, हाफ वेव प्लेट होती है, क्वार्टर वेव प्लेट होती है, इन सब के बारे में जब आपको पता होगा, तभी आपको ये टॉपिक जो है बहुत आसान लगेगा समझने के लिए। अगर वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे, तो ये टॉपिक जो है आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो पहले आप ये दो वीडियोस देखिए, जिनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तभी आज का जो टॉपिक है बेबिनेट कंपनसेटर, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को किसी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से पास करवाते हैं, देन इट स्प्लिट्स इनटू टू काइंड ऑफ रेस, वन इज ओ रे एंड अदर इज ई रे। ई रे जो होती हैं, उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, और उनको हम एरो से शो करते हैं, और जो ऑर्डिनरी रेज होती हैं, उनकी वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होती हैं, उनको हम डॉट से शो करते हैं। बोथ ई रे एंड ओ रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनकी वाइब्रेशन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और दोनों की दोनों रेज जो हैं वो प्लेन पोलराइज्ड रेज होती हैं। जो ई रे होती हैं, उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि स्नेल्स लॉ को ऑबे नहीं करती, और जो हमारी ओ रे हैं, इनको हम ऑर्डिनरी रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि स्नेल्स लॉ को ऑबे करती हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर ई रे की स्पीड जो है वो ओ रे से कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि ओ रे पहले आपकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से इमर्ज होगी और बाद में आपकी ई रे इमर्ज होगी। मींस इन दोनों रेज के इमर्जेंस के बीच में एक टाइम डिफरेंस होगा, टाइम डिफरेंस होगा तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस आएगा ही आएगा। जो हमारी हाफ वेव प्लेट होती है, वो ई एंड ओ रे के बीच में लैम्डा बाय टू का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है, और जो क्वार्टर वेव प्लेट होती है, वो ई एंड ओ रे के बीच में लैम्डा बाय फोर का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है। मींस जो रिटार्डेशन प्लेट होती है, दे प्रोड्यूसेस अ पाथ डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई रे। हाफ वेव प्लेट कितना पाथ डिफरेंस डालेगी, ओ ई एंड ओ रे के बीच में लैम्डा बाय टू, और क्वार्टर वेव प्लेट इंट्रोड्यूस करेगी पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय फोर बिटवीन ओ एंड ई रे। बट उनमें एक लिमिटेशन ये होती है, हाफ वेव प्लेट या फिर क्वार्टर वेव प्लेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ही यूज की जा सकती हैं। तो मान लीजिए आपके पास वेवलेंथ है लैम्डा वन, आपका लैम्डा जो है वो लैम्डा वन के बराबर है, और आपकी हाफ वेव प्लेट की थिकनेस है डी वन, ताकि ये लैम्डा बाय टू का फेस, लैम्डा बाय टू का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर रही है ओ एंड ई रे के बीच में। तो अगर आपकी कोई और वेवलेंथ इंसिडेंट करवाएंगे आप लैम्डा टू वेवलेंथ के लिए, क्या सेम थिकनेस जो है वो सेम पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू प्रोड्यूस करवा पाएगी, तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सेम अमाउंट ऑफ पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करवाने के लिए, लैम्डा बाय टू पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करवाने के लिए फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, आपको अलग अलग थिकनेस की हाफ वेव प्लेट जो है वो यूज करनी पड़ेंगी। सेम इज द केस फॉर क्वार्टर वेव प्लेट, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अगर आप लैम्डा बाय फोर का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं बिटवीन ओ एंड ई रे, तो आपको अलग अलग थिकनेस की जो है क्वार्टर वेव प्लेट जो है वो यूज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका ये है।
तो आपको कुछ एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस चाहिए होगा जो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए आपका पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करके दे बिटवीन ओ रे एंड ई रे। और दूसरी बड़ी जो लिमिटेशन है हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट के बीच में, वो ये है कि वो सिर्फ एक फिक्स्ड पावर डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं बिटवीन ओ रे एंड ई रे। जैसे कि हाफ प्लेट तो है वो लैम्डा बाय 2 का पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी बिटवीन ओ एंड ई रे, क्वार्टर वेव प्लेट सिर्फ लैम्डा बाय 4 का पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी ओ एंड ई रे। अगर आपको लैम्डा बाय 2 या लैम्डा बाय 4 से अलग पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करवाना है ओ एंड ई रे के बीच में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बैबिनेट कंपनसेटर। तो बैबिनेट कंपनसेटर क्या करता है, हमारी मर्जी से हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग जो है ई एंड ओ रे के बीच में पावर डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, और इसको हम अलग अलग वेवलेंथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये भी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर आपको ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आप इसके स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं। We know that for a given wavelength, a quarter wave plate and half wave plate produces a fixed power difference of lambda by 4 and lambda by 2 respectively between E, O and E ray. हमें पता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए क्वार्टर वेव प्लेट कितना पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, लैम्डा बाय 4 का पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, और हाफ वेव प्लेट जो है वो लैम्डा बाय 2 का पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करती है बिटवीन ओ एंड ई रे। इट इज यूजफुल फॉर लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड डिफरेंट प्लेट्स आर टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट के लिए ही इस्तेमाल में की जा सकती है, हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। अगर आपको डिफरेंट वेवलेंथ के लिए पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करवाना है ओ एंड ई रे के बीच में, तो आपको अलग अलग थिकनेस की प्लेट जो है वो यूज करनी होगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। बैबिनेट कंपनसेटर, अब ये इसके ड्रॉबैक को कंपनसेट कौन करेगा, बैबिनेट कंपनसेटर करेगा, इसलिए इसका नाम बैबिनेट कंपनसेटर रखा गया है। इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रोड्यूस डिजायरेबल पावर डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई रे फॉर एनी वेवलेंथ। बैबिनेट कंपनसेटर की खास बात यह है कि इसके द्वारा हम ओ एंड ई रे के बीच में अपनी मर्जी से पावर डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो भी हर एक वेवलेंथ के लिए, बहुत अलग अलग वेवलेंथ के लिए। और ये काम कैसे होता है, अलग अलग डिजायरेबल पाथ डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है ओ एंड ई रे के बीच में बाय यूजिंग बैबिनेट कंपनसेटर, वो मैं आपको उसकी वर्किंग में अच्छे से क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बैबिनेट कंपनसेटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बैबिनेट कंपनसेटर। देखिए स्टूडेंट्स, बैबिनेट कंपनसेटर को बनाने में हम यूज करते हैं दो वेज शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पहला वेज शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए, और ये है हमारा दूसरा वेज शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल बी। देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे, और इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का हाइपोटेन्यूज ये है, और इसी तरह से इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 45 के हो जाएंगे, और इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे अलोंग देयर हाइपोटेन्यूज प्लेन्स। इन दोनों के हाइपोटेन्यूज प्लेन्स को आपस में कांटेक्ट में लाकर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, और रिजल्टिंग शेप जो आपको मिलेगी वो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक मिलेगा ए एंड बी। जो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ए, इसकी खास बात यह है कि जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस कट की गई है वो इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट की गई है, और बी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस कट की गई है वो इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल कट की गई है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए की जो ऑप्टिक एक्सिस होगी और क्वार्ट्ज बी की जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। और स्टूडेंट्स एक बात और आपने खास ध्यान देनी है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की ऑप्टिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब आप इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए के ऊपर एक अनपोलराइज लाइट फॉल करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये दो रेज में स्प्लिट हो जाएगी ओ रे एंड ई रे, तो वो बी क्रिस्टल के अंदर जाके ये रिवर्स हो जाएंगी, जो इस क्रिस्टल के अंदर ई रे थी वो इसके अंदर जाके ओ रे में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो इसके अंदर ओ रे थी वो इसके अंदर जाके ई रे में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके अंदर जो ई रे थी वो इसके अंदर ओ रे में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स वो इंटरचेंज हो जाएंगी क्योंकि इनकी ऑप्टिक एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और स्टूडेंट्स एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए है वो हम अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता, जबकि बी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आप ऊपर नीचे स्लाइड डाउन कर सकते हैं अलोंग हाइपोटेन्यूज प्लेन,
विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू एस। जब आप इस एस को घुमाएंगे तो आपका जो बी क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो इस हाइपोटेन्यूज प्लेन के ऊपर स्लाइड कर सकता है, जैसे यहाँ पर शो किया गया है। ये थोड़ा ऊपर स्लाइड हो गया है इसलिए यहाँ से भी ये ऊपर खिसक गया है, जबकि ए जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू वेल शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स ए एंड बी। इसमें होते हैं बेबिनेट कंपनसेटर को बनाया जाता है दो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की हेल्प से ए एंड बी, और इनकी एक स्पेशल शेप ली जाती है, वेज शेप ली जाती है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो एक पॉजिटिव क्रिस्टल है। दे आर प्लेस्ड विद देयर हाइपोटेन्यूज प्लेन्स इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इनको आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जाता है इनके हाइपोटेन्यूज प्लेन के थ्रू, और इनको जोड़ के आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक का शेप मिलता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए इज कट विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस होती है वो इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल बी की जो ऑप्टिक एक्सिस होती है वो इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होती है। व्हाइल द क्वार्ट्ज क्रिस्टल बी इज कट विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इससे होगा क्या, इसकी ऑप्टिक एक्सिस इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है और इसकी ऑप्टिक एक्सिस इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल है। तो इससे होगा क्या कि दोनों की जो ऑप्टिक एक्सिस होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए इज फिक्स्ड इन पोजीशन व्हाइल क्रिस्टल बी कैन बी स्लाइडेड इन इट्स ओन प्लेन बाय अ माइक्रोमीटर स्क्रू एस। एक जो क्रिस्टल है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, जबकि बी क्रिस्टल को इसके प्लेन में ऊपर नीचे हम स्लाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर स्क्रू एस, जैसा कि आपको फिगर इसमें दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद इस टॉपिक में बाकी बचा हुआ पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ बेबिनेट कंपनसेटर। तो वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, When a plane polarized light falls normally on the crystal A, it breaks up into O ray and E ray such that VE is less than V0। जैसे ही आप plane polarized light को crystal A के ऊपर fall करवाएंगे तो यहाँ पर होगा double refraction phenomena, और यहाँ पर आपको दो दो refracted rays दिखाई देंगी, एक होंगी O ray जिनकी vibrations perpendicular to the plane of paper होंगी, और एक होंगी E ray जिनकी vibrations इन द प्लेन ऑफ पेपर होंगी। तो आपका जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ए वो एक पॉजिटिव क्रिस्टल है, और पॉजिटिव क्रिस्टल की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें ई रे की जो वेलोसिटी होती है वो ओ रे से कम होती है, सच दैट वी इज लेस देन वी जीरो। आफ्टर एंटरिंग इनटू क्रिस्टल बी द ओ रे बिकम्स ई रे एंड ई रे बिकम्स ओ रे। जैसे ही आपकी ई रे, ये वाली ई रे और ये वाली ओ रे, ये ओ रे है, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ ये ब्लॉक बनाना है, एक रे इंसिडेंट करती हुई दिखानी है। तो ये आपकी ई रे एरो वाली और ये डॉट वाली आपकी ओ रे है। जैसे ही वो बी क्रिस्टल में एंटर करेंगी, क्योंकि ए और बी क्रिस्टल की जो ऑप्टिक एक्सिस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ई रे जो है वो ओ रे बन जाएगी और ओ रे जो है वो ई रे बन जाएगी। आइए देखते हैं आगे। Thus two components interchange their velocities in transit from one crystal A to the other crystal B। और इनकी जो velocities है वो interchange हो जाएंगी। अब O ray जो है इस crystal में जो पहले E ray थी वो अब क्या होगी, उसकी velocity fast होगी as compared to E ray। तो इनकी velocity जो है वो interchange हो जाएंगी। And each crystal cancel the effect of the other। तो एक crystal का effect जो है वो दूसरा crystal cancel कर देगा। अब हमें कुछ mathematical calculation करनी है so that we can find out path difference between E ray and O ray। Let T0 and TE be the time taken by O and E ray to travel distance D in crystal A। तो हम मान लेते हैं कि crystal A की जो thickness है, crystal A की जो thickness है यहाँ से लेके यहाँ तक वो D1 है। तो ये थिकनेस हम D1 मान लेते हैं। तो D1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो O ray को टाइम लगेगा क्रिस्टल A के अंदर वो हमने ले लिया TO, और E ray को जो टाइम लगेगा D1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए A क्रिस्टल के अंदर उसको हमने ले लिया TE। जैसे कि आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T0 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस D1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ O ray V0 इज, और उसके बाद जो टाइम होगा E ray का वो हो जाएगा डिस्टेंस D1। दोनों के लिए डिस्टेंस D1 है, थिकनेस सेम है दोनों के लिए, ए क्रिस्टल की ई रे के लिए भी और ओ रे के लिए भी, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो आप ई रे की लेंगे VE। तो स्टूडेंट्स इसी को आगे यूज करते हुए
हम आगे फाइंड करेंगे पावर डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो ई रे होगी वो क्रिस्टल ए के अंदर डी वन डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, वो लेगी टी इज इक्वल टू डी वन बाई वी। और जो ओ रे होगी वो क्रिस्टल ए के अंदर डी वन डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लेगी डी वन अपॉन वी जीरो। हमें पता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर जो ई रे की वेलोसिटी होती है वो ओ रे से कम होती है, इसलिए जो हमारा टाइम होगा टी ई दैट विल बी ग्रेटर देन टी जीरो। सो टी ई इज ग्रेटर देन टी जीरो क्योंकि वी ई कम है तो टी ई ज्यादा होगा, क्योंकि वी जीरो आपका ज्यादा है तो टी जीरो कम होगा। तो आपको टाइम डिफरेंस निकालना है कि जब वो क्रिस्टल ए में से बाहर निकलेंगे और बी क्रिस्टल में एंटर कर रही होंगी तो उनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस आ चुका होगा ई रे एंड ओ रे के बीच में। और टाइम डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। और वो आप कैसे निकालेंगे, टी में से टी जीरो माइनस करेंगे क्योंकि टी बड़ा है टी जीरो छोटा है, टी माइनस टी जीरो। अब इधर आ जाइए, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी की वैल्यू इतनी है डी वन अपॉन वी ई माइनस टी जीरो की वैल्यू इतनी है डी वन अपॉन वी ओ है, ये मैं जीरो जीरो बोल रहा हूँ बार बार, ये ओ है ऑर्डिनरी रे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वन कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन वी ओ, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड कर दीजिए तो डी वन अपॉन सी आ जाएगा। जब आप इस टर्म को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी अपॉन वी ई माइनस सी अपॉन वी जीरो। वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ ई रे इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बन जाएगा म्यू ई और ये बन जाएगा म्यू ओ, डी वन अपॉन सी यू ई माइनस म्यू ओ, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर ई रे, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर ओ रे। तो टाइम डिफरेंस हमारे पास आ चुका है, अब हम पावर डिफरेंस निकाल सकते हैं। पावर डिफरेंस डेल्टा वन इंट्रोड्यूस बिटवीन ओ एंड ई रे बाय क्रिस्टल ए इज गिवन बाय, क्रिस्टल ए जो है ओ रे एंड ई रे के बीच में कितना पावर डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई जो हमारा टाइम डिफरेंस निकला है डेल्टा टी। सो डेल्टा वन विल बी इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, सी ऐसे रख दो, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, डी वन बाई सी म्यू ई माइनस म्यू जीरो, सी से सी कैंसिल, डेल्टा वन आ गया डी वन म्यू ई माइनस म्यू जीरो। तो जो ओ रे एंड ई रे होंगी उनके बीच में क्रिस्टल ए के द्वारा इतना पावर डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब क्रिस्टल बी कितना पावर डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा बिटवीन ओ रे एंड ई रे जब वो इनमें से पास होंगी, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि क्रिस्टल ए के द्वारा ओ एंड ई रे के बीच में कितना पावर डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसको हमने डेल्टा वन से डिनोट किया था, वो था डी वन म्यू ई माइनस म्यू जीरो। अब क्रिस्टल बी कितना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाएगा बिटवीन ई एंड ओ रे, अगर हमारी ई एंड ओ रे जो हैं वो डी टू थिकनेस ट्रेवल करती हैं क्रिस्टल बी के अंदर, तो ई एंड ओ रे के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा क्रिस्टल बी के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स ए और बी की जो ऑप्टिक एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्रिस्टल ए के अंदर जो ई रे थी वो क्रिस्टल बी के अंदर ओ रे बन जाएगी, और जो क्रिस्टल ए के अंदर ओ रे थी वो क्रिस्टल बी के अंदर ई रे बन जाएगी, तो इनकी वेलोसिटीज भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम पावर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस केस में आपको क्या करना होगा, डी वन की जगह डी टू करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमने थिकनेस ली है क्रिस्टल बी की वो डी टू ली है, और इन दोनों को ऑपोजिट करना होगा म्यू ई की जगह म्यू जीरो और म्यू जीरो की जगह म्यू ई, क्योंकि इनकी वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो गई है। तो जैसे हमने पिछले सेक्शन में डेरिवेशन की, अगर हम वैसी ही डेरिवेशन करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा टू इज इक्वल टू डी टू म्यू जीरो माइनस म्यू ई, आपने बस इसका उल्टा कर देना है यहाँ पर और डी वन की जगह डी टू कर देना है। तो क्रिस्टल ए और बी के द्वारा मीन्स इस बेबीनेट कंपनसेटर के द्वारा टोटल पावर डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय क्रिस्टल ए प्लस पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय क्रिस्टल बी जो कि है डेल्टा 2। सो टोटल पार्ट डिफरेंस डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 क्या है, ए क्रिस्टल ने जितना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाया बिटवीन ई एंड ओ रे, डेल्टा 2 क्या है, क्रिस्टल बी ने कितना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाया बिटवीन ओ एंड ई रे। तो डेल्टा 1 की वैल्यू पुट करो, डेल्टा 2 की वैल्यू पुट करो, उन दोनों को ऐड कर दो, और यहां पर आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस डी टू म्यू ई माइनस म्यू जीरो हो जाएगा, तो ये इसकी पूरी ब्रैकेट में से कॉमन आ जाएगा म्यू ई माइनस म्यू जीरो और अंदर रह जाएगा डी वन माइनस डी टू, दैट विल बी योर टोटल पावर डिफरेंस प्रोड्यूस बाय बेबीनेट कंपनसेटर। देखिए स्टूडेंट्स ए की पोजीशन फिक्स है तो डी वन तो फिक्स रहेगा, डी वन चेंज नहीं होगा, जबकि क्रिस्टल बी को हम स्लाइड डाउन कर सकते हैं अलॉन्ग इट्स प्लेन
विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर स्क्रू, जिसकी वजह से डी टू चेंज होगा। अगर डी टू चेंज होगा तो आपका डेल्टा भी चेंज होगा। तो हम ई एंड ओ रे के बीच में अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कितना मर्जी ही पार्ट डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बेबिनेट कंपनसेटर। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बेबिनेट कंपनसेटर। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बेबिनेट कंपनसेटर के बारे में। तो आप हेडिंग बनाएंगे, एप्लीकेशंस इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज सर्कुलरली इलिप्टिकली एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बेबिनेट कंपनसेटर। अगर आप एग्जाम में इतना लिखाते हैं जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये डायग्राम बनाते हैं जो मैंने आपको यहाँ बनवाए, आपको 100% पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव एंड ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।